बेरूत के धमाके की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। बहुत से लोग हैरान हुए कि खाद के रूप में इस्तेमाल होने वाला अमोनियम नाइट्रेट ऐसा धमाका भी कर सकता है। जमीन पर देखिए या सैटेलाइट की नजर से देखिए, इस धमाके का सबक बहुत बड़ा है। एक लापरवाही पूरे शहर पर भारी पड़ सकती है। पूरी दुनिया बेरूत धमाके से पहले और बाद की तस्वीरों को अगल बगल रख कर देख रही है। शहर की पहले की तस्वीरों में शहर के पोर्ट पर रोजमर्रा की हलचल, एक करीने से बने वेयरहाउस, किनारे पर मौजूद शिप दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर धमाके के बाद की है, जिसमें सब कुछ एकदम गायब हो चुका है। वहां मौजूद हर चीज बर्बाद हो चुकी है। जहां ब्लास्ट हुआ, वहां जमीन धस गई और कम से कम 120 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। कई वेयरहाउस बर्बाद हो गए और अनाज का भंडार करने वाली जगहें नष्ट हो गईं। एक भारी क्रूज शिप धमाके की वजह से पलट गया और एक छोटा शिप भी धमाके से पैदा हुई हीट वेव से उड़कर जमीन पर आ गया और भस्म हो गया। ये सब देखकर सभी देश अमोनियम नाइट्रेट के भंडार को लेकर सावधान हो गए। भारत के संदर्भ में बड़ा सवाल ये है कि क्या बारूद के ढेर पर बैठा है चेन्नई शहर? जवाब है हाँ। अगर कोई लापरवाही बरती गई तो बात बहुत बिगड़ सकती है। इन कंटेनर्स में भरा है 740 टन अमोनियम नाइट्रेट, वही अमोनियम नाइट्रेट जिसकी वजह से बेरूत बम की तरह उड़ गया। चेन्नई से कुल 20 किलोमीटर की दूरी पर यह है सतवा सीएसएफ गोडाउन। 5 साल गुजर गए जब चेन्नई बंदरगाह से अमोनियम नाइट्रेट की एक खेप सीज की गई थी। अच्छी बात है कि हादसा नहीं हुआ, लेकिन जब इसी केमिकल से दूर लेबनान में हादसा हुआ तो सबके होश ठिकाने आए हैं। अब प्रशासन कह रहा है कि इसे जल्द से जल्द रफा दफा किया जाएगा। डिप्टी चीफ जनरल ऑफ एक्सप्लोसिव्स has made a preliminary inspection and will make further inspections also to assess the safety of the materials kept here. Once the measures to be taken is finalized, immediately, that will be done immediately, we'll take immediate safety measures till the disposal of the stock. And for disposal also, customs officials are taking immediate measures. दरअसल ये बात नवंबर 2015 की है, जब चेन्नई ने अम्मान केमिकल्स से अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट किया। तब उस कंपनी ने कहा था कि रसायन फर्टिलाइजर ग्रेड का है। जांच से पता चला कि ये रसायन एक्सप्लोसिव ग्रेड का है और कंपनी ने 2012 में बने कानून का पालन नहीं किया है। उसके बाद से ही कंटेनर्स में बंद 740 टन अमोनियम नाइट्रेट यहां पड़ा है। ये चेन्नई शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से 2 किलोमीटर दूर तक कोई रिहायशी इलाका नहीं है। And they've also said that around 2 kilometer radius there are no residential regions. But we need to highlight here what we can see here. These are all houses, and these are lower middle class people who are living here. There are quite a few households here, residential complexes here. And from here itself, you can see the entrance of the route through which we are coming. ये ठीक बात है कि यहाँ बेरूत जैसी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं हैं, अगल बगल निम्न मध्यम वर्गीय कॉलोनियां हैं, फिर भी खतरा तो है ही, बड़ा खतरा है, खासकर तब जबकि यहाँ वाहनों का आना जाना लगा रहता है। क्या पता कब कोई चिंगारी निकले और धमाका कर जाए। ये तो तबाही का कारण बन सकता है। ये तो ऐसे ऐसे डेंजरस खतरनाक केमिकल्स तो पूरे वहाँ के पॉपुलेशन को बर्बाद कर देगा 10 किलोमीटर के रेंज में। और हिंदुस्तान ऐसे जगह में जहाँ पॉपुलेशन कितना डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ तो बर्बादी, यहाँ तो 137 मरे हैं, यहाँ तो हजारों में लोग मरेंगे और कई हजारों में लोग घायल होंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात हैं, मुस्तैद पुलिसकर्मी पहरा देते रहते हैं, अनहोनी से बचने के कदम उठाए जाते हैं, जांच पड़ताल चलती रहती है, लेकिन ऐसा करने में बड़ी रकम फूंकी जा रही है। इसकी कुल कीमत है 1,80,00,000 रुपए, जबकि खर्च और खतरा बेहिसाब है। जब से स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई है, वो जागरूक हुए हैं। कस्टम में भी इसे निपटाने के लिए ई ऑक्शन हो चुका है। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के दिन अब गिने चुने होने चाहिए। चेन्नई से शालिनी लोबो और अक्षय नाथ के साथ